पिछले दिनों मेरे पास एक फोन कॉल आया गुजरात से सुबह सुबह। वो व्यक्ति मुझसे बोला कि गुरु जी, मैं एक साधना कर रहा हूं। वो साधना है कर्ण पिशाचिनी की। मैं नाम सुनते ही चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि भाई, ये तुम साधना किसके कहने से कर रहे हो और कौन ये करवा रहा साधना? तो उसने कुछ डिटेल बताया यूट्यूब के बारे में, उस व्यक्ति का नाम भी बताया और कहा कि मैं उनके कहने से ये कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा हूँ। लेकिन अब एक परेशानी मेरे साथ ये आ रही है कि मैं इस साधना में फंस गया हूँ और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ना तो ये पूरा हो रही है और ना ही इससे मुझे कोई लाभ हो रहा है, इससे मुझे नुकसान बहुत हो रहा है। मैंने जब उससे पूछा तो मैं सन्न रह गया कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातों को सिर्फ नुकसान कहकर कैसे टाल सकता है। तो जब मैंने उसकी कहानी सुनी, जब मैंने उसकी बातें सुनी, उससे मैंने क्वेश्चनिंग की, तो मुझे पता चला कि ये कितने गहराई तक उस दलदल में फंस चुका है जिससे बाहर आना उसके लिए अब असंभव है। उसने बताया कि शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा उन्होंने मुझे बताया था उसी तरीके से मैंने साधना की, उसी प्रकार से उसी प्रकार के आसन पर बैठ करके और जो भी मंत्र उन्होंने बताए थे वो सब मैंने किए। और मुझे जब उसके अनुभव होने लगे तो मुझे एक बहुत सुंदर महिला के रूप में वो दिखाई दी। लेकिन वो धीरे धीरे, इतना जहरीला उसका आकर्षण था कि मैं उसमें फंसता चला गया और फिर मेरे साथ हादसे होने शुरू हुए। मेरा बेटा जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, अचानक किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, टकरा करके रोड पर गिर गया। उसका सिर डिवाइडर से टकरा गया। कुछ माँ भगवती की कृपा थी, कुछ ईश्वर की कृपा थी कि समय उसका अच्छा था, वो बच गया। एक दिन दूसरी उसने घटना बताई। एक दिन वो अपनी कार के पीछे, ऑल्टो गाड़ी थी उसके पास, उसके पीछे वाले जगह पर वो बैठा हुआ था, यानी कार के बाहर, कार के पीछे बैठा हुआ था। शायद कार में कुछ काम कर रहा था और अचानक कार बिना ड्राइवर के बैक गियर में जाकर के उस पीछे की तरफ चलने लगती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। ये बाल बाल फिर बचा, मरने से बचा, हाथ में चोट आई, घबरा गया। इसके बाद एक घटना और, उस स्त्री ने इसकी पत्नी से कहा कि ये जो साधना, इसे बंद करवा दे वरना धमका कर चली गई। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वहां से लौटना संभव नहीं था। एक दिन वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर रास्ते में जा रहा है, कहीं एक मधुमक्खी, बड़ी मधुमक्खी कान के पास बार बार भुनभुना रही है, बार बार आवाज कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है और हटाने पर भी नहीं हटती। और अंत में ऐसा हुआ कि उस मधुमक्खी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ, चोट आई पैर में, चेहरे पर भी चोटें आई, मुश्किल से बमुश्किल से जान बची। और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं। तब उसने घबरा कर मुझे फोन किया, नंबर यूट्यूब पर मेरा भी उसने देखा। मैंने कहा कि भाई, ये तुम अचानक कैसे करने लगे? क्या तुमने पहले कोई साधना की है कि नहीं? मैंने, तुम जानते हो उसके बारे में?
इस शक्ति के बारे में जानते हो, इस शक्ति का क्या स्वरूप है। और साधक लोग प्राय अपनी परेशानी को दूसरे पर डालने के लिए, अपनी दिक्कत को दूसरे पर डालने के लिए इसको, इस काम को बड़े आराम से कर देते हैं, और आप उस परेशानी को मोल लेने के पैसे और देते हैं, उसको अपना धन भी देते हैं और जान भी अपने जोखिम में डाल लेते हैं, परिवार की जान जोखिम में डाल लेते हैं। मेरी बात सुनकर वो सहम गया। मैंने पूछा कि आपने इससे पहले किसी और मंत्र की साधना की है? माँ भगवती के साधक हैं आप, उनकी भक्ति करते हैं, ये सब चीजें आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर कैसे अचानक इसमें उतर गए? बोले गुरु जी मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं अचानक ये साधना करने लग पड़ा, और आज तो स्थिति ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये हो गई कि अचानक बीच में से हम करें भी तो क्या करें, कभी उस व्यक्ति से मैं मिला नहीं, फोन पर बात हो रही है, कोई मुझसे नहीं मिला था, लेकिन उसने विश्वास किया था। हमारे यहाँ राय राजेश्वरी भगवती कैला देवी का मंदिर है, और मंदिर के नाम से न्यास भी है, उसे भी हम लोग चलाते हैं, और जिसकी जो सहायता बन सकती भगवती की कृपा से वो सब चलता है उसमें। और भगवती की एक हमारे यहाँ नियम है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, वो सब माँ भगवती की आराधना में बहुत गहरे लीन रहते हैं, और उनकी कृपा से ही ये सारा कार्य चल रहा है। जो बात भी हम बताते हैं वो भी प्रामाणिकता उन्हीं की वाणी से आती है, हमारे पास तो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो भगवती का स्मरण करके मैंने उससे आगे बात की, भाई अब बताओ तुम क्या चाहते हो, गुरु जी मुझे तो आप बचा लें और मुझे क्या करना है ये आप बताएं। मैंने भैया पहले तो बचने का साधन ढूंढो, क्या करोगे, ये तो सब बात की बात है। और मैंने कहा तुम जानते हो कि फिर ये तुम्हारे साथ और क्या हो सकता है? बोले आमतौर से इस तरह की शक्तियां आपके साथ अगर आ जाती हैं तो आपको भ्रमित करने के लिए आपके पत्नी स्वरूप में रहना पसंद करेंगी, पत्नी स्वरूप का लालच देंगे आपको कि मैं इस रूप में तेरे साथ रहूंगी, तो फंस जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा तुम भी नहीं जानते हैं क्या स्थिति बनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग YouTube पर इस तरह की चीजें देखते हैं, उसके बाद लालच में फंस जाते हैं। ये तो केवल एक उदाहरण है जो आज मैंने आपके सामने रख दिया। हमारे अनुभव में तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोगों के उदाहरण आते हैं जो यही सब काम कर रहे हैं, लोगों के भी ग्रुप हैं जो उन्होंने YouTube पर चला रखे हैं, उनसे साधना दे देते हैं, लोग जा रहे हैं, अब जाने किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास माँ भगवती की भक्ति नहीं है तो आपके लिए कोई भी साधना घातक हो सकती है, ये आप ध्यान रखें। आप एक सिद्ध व्यक्ति से, एक योग्य व्यक्ति से आप दीक्षा लीजिए, मंत्र की माँ भगवती की भक्ति कीजिए, उनके चरणों में गिरकर उनसे आप अपनी भक्ति का दान मांगिए कि मुझे भक्ति का दान दीजिए, उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ, एक बात आप ध्यान रखें। अगर छोटी मोटी कोई चीज आपको मिल भी गई तो भी उसका क्या मूल्य है, छोटी मोटी चीज का कोई मूल्य नहीं है, और बड़ी चीज के लिए अगर आपने प्रयास किया तो आप समझ लीजिए कि वो बड़ी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान में डालने के लिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ से साधना कर रहे हैं, कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, कौन व्यक्ति है, क्या उसका आकार प्रकार उस साधना के क्षेत्र में कितना है, पता नहीं आप। तो
उसको मैं जाने से पहले आपको ये सब सोच लेना चाहिए। फिर उसने जब ज़्यादा किया तो उसका इंतजाम यहाँ से किया गया मंदिर के द्वारा, और उस चीज़ से उसको मुक्ति दिलाई कि हमें चलो अब खुश है। महाभूती का मंत्र उसने लिया और अब आराम से वो मंत्र को कर रहा है और प्रसन्न है, परिवार भी प्रसन्न है उसका। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ करके इस फील्ड में आइए, लालच में मत फंसिए। अगर ये सब इतना साधन, इतने साधन, इतने आसान होते तो कोई भी कर सकता था। एक तो करने का अहंकार, क्योंकि आप सीधे सीधे उस साधना में उतर रहे हैं, सामने वाला आपको सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, उस चीज को करा रहा है आपको, यक्षिणी की साधना करा रहा है, लूना चमारी, यानी किस किस की साधनाएं यूट्यूब पर चल रही हैं, लोग कर रहे हैं, और उनसे लाभ तो मैंने किसी को ज्यादा होते हुए नहीं देखा। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि हमें ये लाभ पहुंच गया। और हानि की बात अवश्य आती है, ये घटना मैंने आपसे जिक्र किया है, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में तो लोग आते हैं इस तरह की बात करते हैं, और हम व्यक्तिगत जीवन में भी इन बातों को जानते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि आपकी आत्मा जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक तो सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है। आप जितना आपको आपके कर्म उसके अनुसार आप भोग लेंगे, लेकिन इस शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा जो तो 5 कोश हैं, 1 कोश ही तो गिरा केवल आपका, उसके बाद बाकी 4 कोश उनके गुण, और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार, ये सारे जो कोश हैं इनमें से किस जगह पर आपकी आत्मा अटक जाएगी, वही स्वरूप मनुष्य को प्राप्त हो जाता। तो इनमें अशरीरी आत्मा में बहुत सारी योनियां हैं और उनके बारे में किसी को जानकारी पूरी तरीके से होती नहीं है, अगर है भी तो जानकारी लेकर के आप उसका कर भी क्या लेंगे। इसलिए सावधान रहिए, और कोई भी साधना करने से पहले माँ भगवती की आराधना करिए और उनके चरणों में गिर करके भक्ति का दान मांगिए, तभी आगे बढ़िए। सबसे अच्छी साधना वही है कि आप उनकी भक्ति करें, वे जब प्रसन्न होती हैं तो आपको सभी कुछ प्रदान करती हैं। मुझे मेरा ही उदाहरण लीजिए, मुझे मेरे गुरु की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से वे सब चीजें समय पर सब प्राप्त हुई जिनकी लोग कामना करते हैं, लेकिन वे जब अनायास प्राप्त होती है, किसी की कृपा से प्राप्त होती है, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आता और आप अपने ही विनाश से बच जाते हैं। और जब आप उनको अपनी शक्ति के मद में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो पहले तो प्रयास प्राप्त होना ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में वो योग नहीं है, सिद्धि योग नहीं है, तब तक आप कुछ भी करते रहे, नुकसान आप भले ही अपना कर लें, वो चीज प्राप्त नहीं होगी, अगर हो भी गई तो आपको नुकसान दे देगी। तो हम इस फील्ड में भी काम है हमारा, इस फील्ड में भी हमारा परिवार कार्यरत है कि आपको उस जगह पर ले जाएं, आपको बता पाएं आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस से, कि आपके जीवन में सिद्धि योग है या नहीं है, क्या सिद्धि आप करें, क्या साधना आप करें जो आपके कार्य में आती है, जो आपके जीवन में आपके लिए उपयोगी होगी, वो कौन सी साधना है वो आपको बताएं। तो साधनाएं अनंत प्रकार की हैं, हम तो समुद्र में से एक बूंद उठाने वाला काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साधना आपके जीवन में आवश्यक है। इसके लिए कुंडली की बात भी अगर आप करेंगे तो वो भी सहायता आपकी यहाँ पर की जाएगी। एक बात है, आप इस बात को भी आप समझ लें कि उसके बिना आप अच्छे योग में कुंडली में जो साधना है उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा एक अनंत भटकन है, उसे आपने गले लगा लेते हैं, उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में ये मैंने आपसे चर्चा की, आगे फिर दूसरे विषय पर आपसे चर्चा करूंगा।
तब तक लगातार देखते रहिए धर्मरेश विद डॉक्टर राजीव मिश्र, जुड़े रहिए हमसे, और जो भी आपकी आवश्यकता है हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी सहायता ठीक प्रकार से हो, जिससे कि आपको वो सब चीजें प्राप्त हों जिनके क्या आकांक्षी। नमस्कार, शुभ रात्रि।